सीएम के नाम पर सहमति नहीं, राहुल लेंगे फैसला। राजस्थान में सीएम के नाम को लेकर चल रही रस्साकशी पर थोड़ी देर बाद विराम लग सकता है। जानकारी के मुताबिक कुछ देर बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का परचम, मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस का 15 वर्षों से जारी वनवास खत्म हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम कुर्सी का दावेदार कौन होगा, इसका इंतजार सभी को है। शिवराज ने दिया इस्तीफा, कहा मैं आजाद हूँ। मध्य प्रदेश में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। बुधवार सुबह शिवराज मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देने महामहिम राज्यपाल के पास जा रहा हूँ। लखनऊ में योगी फॉर पीएम के होर्डिंग से मचा हड़कंप, FIR दर्ज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगे कुछ होर्डिंग बुधवार को चर्चा में आ गए, जिन पर योगी फॉर पीएम लिखा है, मोदी की तस्वीर के नीचे लिखा है जुमलेबाज का नाम मोदी और योगी की तस्वीर के नीचे लिखा है हिंदुत्व का ब्रांड योगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की आजादी और मूल्यों को बरकरार रखेंगे। RBI के गवर्नर पद का कार्यभार संभालने के बाद शक्तिकांत दास बुधवार को पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रिजर्व बैंक की आजादी और मूल्यों को बरकरार रखेंगे। असम में पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी, BJP ने बनाई बढ़त। असम पंचायत चुनाव 2018 के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। यहां 26 जिलों के 420 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 2 चरणों के मतदान हुए थे, पहले चरण के मतदान 5 दिसंबर तो वहीं दूसरे चरण के मतदान 9 दिसंबर को हुए थे। कांग्रेस विधायकों की बैठक के दौरान गहलोत और पायलट के समर्थकों का हंगामा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी कामयाबी के बाद बुधवार को विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान बाहर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक अपने अपने नेताओं को CM बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। मायावती बोली, अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो बसपा देगी समर्थन। कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो बसपा उसे समर्थन देगी। पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी, दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में करीब 2 फुट तक बर्फ गिरी है। इस बर्फबारी से न सिर्फ पहाड़ पर बल्कि उत्तर भारत में भी अच्छी ठंड पड़नी शुरू हो गई है। ईशा अंबानी की शादी के लिए सजा एंटीलिया, कई मशहूर हस्तियां होंगी शामिल। ईशा अंबानी और आनंद पिरामल बुधवार को एंटीलिया में 7 फेरे लेंगे। जानकारी के मुताबिक अंबानी परिवार शादी समारोह में $1 करोड़ या उससे ज्यादा खर्च कर रही हैं, जिसमें आज देश की कई बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी।